ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम, इनसे मिलिए, ये मेरे बड़े अब्बा। ओके इनका नाम है चाचा और यहाँ के मैंगलोर के डॉन है। मेरे अब्बा के जो है वो बड़े भाई है। मस्कत में बहुत चाचा, कितने साल मस्कत में था पहले बताओ? कितना? 35 साल। 35 साल ये बंदे ने जो है वहाँ पे मस्कत में जो है काम किया। एक एक इनका एक कुआ भी है बड़ा पैसे का। परकला में कुआ बनाया, पैसे का कुआ बनाया। हाँ तो वो कुएं में भी कोई किसी को पता नहीं हो कुआ किधर करके, खाली उनको मालूम है। लेकिन माशाल्लाह जो है इतना मेहनत किए अभी तक के जॉब कर रहे हैं। कितना साल किया? 35 साल किया, ज्यादा काम किया। अभी कितने साल किया? अभी आके 4-5 साल हो गया ना, खाली 4-5 हो गया। कम से कम 40 साल तो काम किया लगते हैं। तो 40 साल का आप 40 साल का कैलकुलेशन लगा लो आप कितना हो सकता है। तो चाचा हमारे घर पे पहली बार आए तो अलहमदिल्ला मुलाकात करने के लिए, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था उनके पास जाने के लिए। अब तक घर का काम चल रहा था तो अलहमदिल्ला चाचा यहाँ पे आ गया। दुआ करो चाचा हमारे लिए, तरक्की देखो। चल ही रहा, दुआ कर ही रहे, बोला उसका मीटर चल ही रहा। अच्छी अभी आप स्मार्ट लग रहे एकदम। क्या है अभी? हाँ अभी यंग है। क्या बोलते चाचा? अभी यूट्यूब में भी डाले तो वायरल हो जाएगा वीडियो माशाल्लाह। चाचा लेकिन दुबले हो गए लगते ना यार, ज्यादा वेट बढ़ गया। हाँ पत्ते लग रहे, लास्ट टाइम देखा तो थोड़ा ज्यादा। वॉकिंग वॉकिंग नहीं हो रहा है? जा रहे वॉकिंग के लिए किधर? घर के बाहर? घर के अंदर ही नहीं, वो पता वॉकिंग मिला घर के अंदर ही, ये बेडरूम से वो बेडरूम में। थोड़ा एक्टिंग भी करने करते एकदम सच्ची नहीं बोलने का, थोड़ा एक्टिंग करने बोलने का। ब्लॉग में अगर पूरा सच बोले तो नहीं चलेगा, ब्लॉग में थोड़ा झूठ बोलने का बताओ। घर कैसा लगा ब्लॉग? बढ़िया माशाल्लाह, ठीक है ना? वो देखने वाले सोचा दोनों कोट को बहुत बड़ा पेको बोल के, दोनों ने एक बड़ा भाई ने पेको बोल रहे हो। इसमें सामान सब बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा सामान रखने डिक्की बड़ा है, थोड़ा स्टाइल भी अच्छा देखो, उसको देखो कैसा लुक है थोड़ा। देख सकते अच्छा देखो, देख सकते पूरी अच्छा देखेंगे और अच्छा मिलेगा। एक ही आप बेटा हां ठीक है। हां बाबू चलो खा लो, लाल बिनर का बंद को आओ उल्बा वैसा इधर का वो लो ठीक है। बात तक ये करके अपन जगह तक काम नहीं, ये ऐसे चपड़ी डाल के रख दिया, ये भी डाल देंगे पूरा पार करने के लिए। आपको माने बर्थडे किराया आओ हम किराया हमें मतलब बोलो चाचा हो रहा है कि नहीं? वो मैडम का अरे नहीं यार पहला गाँव है मस्कत में। कौन है तो बात करते थे आप बात करने के लिए। चाचा आप आ जाओ, चलो हो गया। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे से हो गए। तो अभी जस्ट चाचा लोग जो है, अभी चाचा और चाचा की फैमिली जो है अभी गई वापस। वो मॉर्निंग में खाली बस हमको मिलने के लिए आए थे, विजिट करके गए हमारे घर पे, हमारे नए घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आकर गए, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही जॉली इंसान है, उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ही हार्ड वर्क है। ओके गाइस अब जो है फ्लिपकार्ट से हमको कुछ पार्सल आया हुआ है तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें पहला जो है वो है क्या चीज़ भैया, ये डेली एक एक आ रहा है। बहुत सारा जो हम लोग ने जो है अनबॉक्सिंग नहीं किया है, डायरेक्टली लगा दिया क्योंकि घर में टाइम नहीं था इतना, काम बहुत सारे थे। अब ये है कुछ 3 बॉक्स आ जाया, वो देखते क्या है इसके अंदर पे। ये है वो कट करते हैं। ओके इसके अंदर आया है मिल्टन। मिल्टन का क्या आइटम मंगाई भैया तुम? और ये है शायद टिफिन बॉक्स है ना? अच्छा पैकिंग है। ये है मिल्टन, मिल्टन कंपनी का। अरे 2 डब्बे खाली, ये क्या चीज़ है भाई? टिफिन बॉक्स है? टिफिन बॉक्स है ना? अच्छा ऐसा आता है टिफिन बॉक्स। अच्छा ये मिल्टन का टिफिन बॉक्स है। इसके अंदर पे 2 बॉक्स हैं, 2 छोटे छोटे बॉक्स। अच्छा इसके अंदर एक के अंदर जो है आप चपाती रख लो, एक के अंदर जो है सब्जी रख लो, और 2 स्पून भी दिया गया इसमें। ये कितने का था? 300 समथिंग ना, 300 मिल्टन का 280। हाँ 280 अच्छा ये कुछ 280 के आसपास मिलता तो अच्छा है बॉक्स कवर के साथ। ये आपको छोटा भी है, कॉम्पैक्ट भी, आपके बैग के अंदर आराम से चला जाएगा। तो ये आदि के लिए मंगाया। मिनी लंच इंसॉल्टेड बॉक्स, तो स्पेशली जो है इसके अंदर पर खाना जो है गर्म रहता है। ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अलग तरीके का बॉक्स है, नॉर्मल पाउच नहीं है। तो ये है इंसॉल्टेड बॉक्स, बहुत ही बढ़िया है। तो सस्ता भी है, अराउंड 280 के आसपास कुछ मिला है फ्लिपकार्ट से। तो ये पार्सल आ जाए हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बॉक्स है फ्रिज स्टोरेज बॉक्सेस। इसके अंदर पे फ्रिज स्टोरेज बॉक्सेस ओपन करके देखते हैं। ये रुमेजा का न्यू स्विमिंग कॉस्ट्यूम है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले आ रहे दीदी रे इधर निंडे दीदी रे इधर अमूर है माँ। हाँ वेरी गुड। अभी ये कहाँ जा रही है? वेरी यूर पंडिनी चलिए यूर पंडित वाटर पार्क पॉन्ड है। और अल्ले वाटर पार्क पॉन्ड है अल्ले ये वाटर पार्क पॉन्ड है। लेकिन स्विमिंग होता है कट स्विमिंग है क्या नहीं इंग नहीं काट इंग नहीं स्विमिंग आती है काट उड़े काट क्या नहीं इंग नहीं इंदर। और ये हम कंटिन्यू करते हैं। ये है रेफ्रिजरेटर के स्टोरेज बॉक्सेस जो हम लोग ने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। ये बॉक्सेस के अंदर आप जो है ये बॉक्सेस के अंदर आप लोग जो है वेजिटेबल स्टोरेज करके रखते थे। ये दिखा दो मैं आपको ओपन करके। सारे जो इसके चार बॉक्सेस के चार ढक्कन दिया हुआ है। तो ये इस टाइप के बॉक्स है, इसके अंदर आप वेजिटेबल रख सकते हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लिप दिया हुआ है, ये कहीं के लिए दिया हुआ है। अच्छा ऐसा है, तो एक्स्ट्रा जो बॉक्स के अंदर पर ये फ्लिप दिया है। ये उसका कैप है, ये पहले वाले का कैप। तो गाइस ये हर एक बॉक्स के अंदर पे ये एक एक एक्स्ट्रा जो है ऐसा इस तरीके का फ्लिप दिया है आइटम है। इसके अंदर पे आप सेपरेट सेपरेट वेजिटेबल कटिंग करके भी रख सकते हो। तो बेहतरीन है, तो ये वर्थ है। 280 अराउंड समथिंग है, 270 ना कितने का। तो गाइस ये है तीसरा पार्सल जो ओपन करते हैं। ये है किचन का एक बॉक्स, किचन का आइटम है। ये अनब्रेकेबल कुछ बॉक्स है, लेट्स सी। तो गाइस ये है कंटेनर, किचन कंटेनर है। तो ये बढ़िया बॉक्स है। इसके अंदर पे ऑलरेडी एक बॉक्स के अंदर पे एक और बॉक्स है, एक और कंटेनर है छोटा सा, और एक और छोटे के अंदर एक और है। और वेरी गुड, इसके अंदर एक और छोटा वाला है, वेरी गुड। तो ये कंटेनर भी बहुत प्यारा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अनब्रेकेबल करके मेंशन किया है उसमें। तो बढ़िया है। तो एक के अंदर पे तीन, तो ऐसे ही आपके पास में चार बॉक्सेस हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जॉनसन वाटर पार्क करके एक पार्क है, जॉन्स वाटर पार्क। जॉनसन है जॉन्स वाटर पार्क कारकला में है। बच्चे बहुत टाइम से जिद कर रहे थे वाटर पार्क जाना है। हम लोग का प्लानिंग था जाना कुंदापुर का, लेकिन अर्शी जो है राइट टाइम में बीमार हो गया। 2 दिन से जो उसको फीवर लगा हुआ है, तो अर्शी जो है उसके कारण जो है वो कुंदापुर वाला जो है प्लानिंग कैंसिल कर दी हमने। तो अब हम लोग बच्चों लोग का दिल रखने के लिए जॉन्स वाटर पार्क, एक छोटा सा पार्क है, वाटर पार्क है, वहाँ पे भी जो है बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा जगह है वो। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, बच्चे और आरिफ एंड फैमिली जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। वो लोग आगे कार में गए, हम लोग अपने बाइक में डुगडुगी में जा रहे हैं हमारे। ओके ये हमारा बाइक ओके, इसमें हम लोग जा रहे हैं। तो एक राइडिंग का मज़ा लेंगे, और उसके अलावा जो है हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद में जो आगे का जो है व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 45 मिनट्स का जो सफ़र है वो 45 मिनट्स का रास्ता है। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमको 45 मिनट लग जाएगा। तो लेट्स गो गाइस। यहाँ पर हम लोग रुके हैं, यहाँ से और 10 मिनट का रास्ता है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ ठंडा पी लेते करके। और आरिफ का बार बार कॉल आ रहा है, वो चेक कर रहा है। हम लोगों ने मैप ऑन करके रखा हुआ है। रास्ता बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस परवीदरी से आपको जो स्ट्रेट रोड पकड़ के चलना है कारकला के लिए। फिर कारकला के आगे आपको जो कट मिलेगा, वहाँ से जो है डायरेक्ट आपको जॉन्स वाटर पार्क से जाना है, रास्ता मिलेगा। लोकल ब्रांड है लेकिन बहुत टेस्टी है। लेमन अप। तो जो स्टॉल वाली थी वो बंदी से हमने पूछा क्या जगह का नाम क्या है। जगह का नाम है मंगल क्या मंजल मंजल पालके, ऐसे ही कुछ जगह है मंजल पालके। थोड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन लेकिन ओके। तो अभी इस गांव से हम लोग आगे निकलते हैं। तो अभी जस्ट यही सीधा रोड है, हमको सीधे रोड पकड़ के जो जाना है और 10 मिनट का रास्ता है वो कवर करते। तो एक अलग से एडवेंचर फीलिंग आ रहा है, बाइक में जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो पूछ रही थी तो वो जो शॉप में जो शॉपकीपर थी वो लेडी वो भी पूछ रही थी आप लोग व्लॉगिंग करते हो क्या करके। हम लोग ने बताया हम लोग व्लॉग करते। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जॉन्स वाटर पार्क। बहुत ज़्यादा रश जैसे आप देख रहे हैं, पार्किंग में पूरी गाड़ी जो है भरी हुई है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो अर्शी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। तो आरिफ जो है बाइक लेकर जो चला गया, अर्शी को घर पे छोड़ेगा और मैं जो है बच्चों को और जो फैमिली को साथ में लेकर जो है साथ में लेके जाऊँगा। यहाँ पर टिकट निकाला जाता है तो हम लोग जो है देखते टिकट का क्या सिलसिला है। यहाँ पे हमिद हमिद और HMID। मैंने भी सोचा था कि मैं पानी में उतरूँगा करके, लेकिन ये रश देख के मेरा बिल्कुल दिल मन नहीं कर रहा है कि उतरूँ करके। अपने छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे तो काफ़ी है। आधी जो है अभी ऊपर चढ़ रहा है। ये देख के जा, ये नीचे नीचे ऊपर देख, सर पर उल्टा। हाँ एग पफ बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा मज़ा। मैं तो मज़ा अब हम वापस जा रहे हैं, हमारा टाइम ओवर हो चुका है तो हमें वापसी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रश होने के कारण भी जो है बच्चे भी टायर्ड हो गए, बच्चे भी चाहते हैं कि वो जाए। हमारा जो है आज का जो वाटर पार्क का जो सफ़र था वो यहीं पे ख़त्म होता है। उसमें आदि अर्शी ने थोड़ा सा मिस कर लिया क्योंकि अर्शी तबीयत ख़राब थी अर्शी की, तो आरिफ को जो है अर्जेंटली उसको लेके जाना पड़ा। तो वो चला गया क्योंकि उसको 2-3 दिन से फीवर के कारण जो है वो थोड़ा सा जो है अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, तो इस वजह से वो चला गया। वो बाइक लेके चला गया। अब कार लेके, आरिफ की कार लेके हम लोग जो है वापसी करेंगे। यहाँ से जो है 34 किलोमीटर का सफ़र है, 34 अराउंड एक 45 मिनट्स के अंदर जो है हम लोग रीच हो जाएंगे वहाँ पर। तो बच्चे लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया। अब बहुत ज़्यादा टायर्ड होने वाले, घर पर जाके सीधा कुड़क होने वाले। देखिए, यकीन नहीं करें, गर्मी इतनी फटे गर्मी है, गाड़ी ऐसा गरम हो चुका है। अभी गाड़ी में आके बैठा हूँ मैं, एकदम हाथ पर पूरे जल रहे अपने से, फट रहा। जल्दी से एसी चालू करिए। अब चलते हैं वापसी अपने घर के लिए। बच्चे लोग एंजॉय किया, एंजॉय किया बच्चे लोग। अच्छा गाड़ी एंजॉयड, वेरी गुड। उस पर अलीजा ने एंजॉय नहीं की क्योंकि अलीजा चाहती थी कि वो और भी रुके। अलीजा चाहती थी कि वो नाइट स्टे करे यहाँ पे, लेकिन अफसोस नाइट स्टे करने का यहाँ पे मौका नहीं मिला। सीन जो देखने बनता है, दोनों साइड से ग्रीनरी है, फुल हरा भरा। बारिश का मौसम नहीं है, बारिश हो नहीं रहा है, फिर भी जो है मौसम जो है खतरनाक एकदम। गाइस ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये नीटे कॉलेज बहुत ही पॉपुलर है यहाँ का, और ये कॉलेज हर किसी का सपना होता है कि ये कॉलेज में आके पढ़ाई करें। चपाटी कैसा है जूस? हाँ, शुगर कैन जूस, ऑसम, टेस्टी और नॉट। वन मोर ग्लास, बिग ना, वेरी बिग ग्लास है। तो गाइस ये वही भास्कर अन्ना का शॉप है जहाँ पे आरिफ हम लोगों को पिलाया करता था। तो हम लोग आज बच्चे लोगों को यही जगह पे जो पिलाया बहुत पसंद आया जूस। तो गाइस ये पार्सल जो है आया हुआ है सालाला से। निशाद मेरा एक फ्रेंड है जिसने ये पार्सल जो है, ये गिफ्ट जो है मुझे भेजा है। इसके अंदर पे वॉल क्लॉक है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अभी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये अमेजोन के थ्रू आया हुआ है, अभी जस्ट आया। हम लोग घर पर अगर पहुँचे तो देखा तो ये पार्सल आया हुआ है। तो इसको ओपन करके देखेंगे, जरा अनइंस्टॉल करेंगे। तो ऐसा नहीं, पूरा सेट के साथ ही है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली सब डिजाइन है, गोल्डन कलर है। ओके गाइस, ये इस तरीके से दिखता है। ये है वो वॉल क्लॉक जो निशाद ने भेजा है। ये भी हमारे हॉल में लगेगा, ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है, छोटा हॉल है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा लगने वाला है जब लगेगा। तो ऐसा बहुत लगने में ऐसा लगेगा, चलो। अरे क्या स्माइल दे रही, चीरी ले रही गल है। हाँ, हेलमेट देखो, ये है मेरी कुंजीमा, ये मेरे कुंजाबा, ये मेरी माँ की छोटी बहन है ना, हाँ, सेकेंड नंबर ना। तो ये थर्ड नंबर कैसे है? माँ के बाद आप ही है ना, आप है ना, आपके पास के बाद आप है। नहीं आ रहा, मैं माशाल्लाह। अरे भाई ये थर्ड नंबर है, मैं अभी तक सेकंड समझ रहा था। तो माशाल्लाह कुंजाबा आज जो है हमारे घर पे आए थे, हमारा घर देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख के कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। दुआ करो हम लोग लेके, कुंजाबा संभाल के जाओ, ठीक है। तो गाइस जैसे हम लोग घर पे आके पहुंचे तो नफसा कुंजाबा और कुंजाबा जो है घर पे आए थे मिलने के लिए। उनको हमारा घर देखना था, तो घर आके देखे वो लोग। तो बहुत ही अच्छा जो है आज का सफ़र रहा, बच्चे लोग बहुत इन्जॉय किए, और लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, बच्चे टायर्ड हो चुके हैं। लेकिन खाली अफसोस है कि अर्शी जो है इन्जॉय नहीं कर पाया क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, दुआ में ज़रूर याद रखना। शुभ खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।